हेलो बच्चों बच्चों, आज जो है जेई प्रीवियस ईयर की जो अगली कड़ी है, टॉपिक वाइज जो मैं आपको बना रहा हूँ, आपके पास मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जेई मेन के क्वेश्चनों को फिजिक्स के, उसमें आज का जो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे सर्कुलर रिंग के कारण, कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कारण, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे जो जेई में आपके 2002 से लेके जनवरी 2020 तक आए हुए हैं उनको मैं अपडेट कर रहा हूँ आपके सामने। डियर अब डियर देखिए, इसमें लास्ट क्वेश्चन टोटल 21 क्वेश्चन अभी तक क्या है 2002 से लेकर 2020 तक इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए हैं। कुछ इनमें भी है, कुछ गॉस थ्योरम में भी मैंने रख दिया है, तो अब चलिए उनको जरा स्टडी किया जाए क्या क्या कैसे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 21 क्वेश्चन से शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन से। आइए सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन जो जनवरी 2020 है वहां से शुरू करते हैं। ये देखिए लास्ट से एकदम जनवरी 21 क्वेश्चन जनवरी आपका जनवरी 2020 से स्टार्ट करते हैं क्या है। ठीक है, जो जनवरी वाला इसमें कहा जा रहा है कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन चल रहा होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलेगा, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कंसीडर क्या करना है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया गया है। ठीक है, ये देखिए आर दिया गया है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वह इस प्रकार से है, ये देखिए ये इसका सेंटर दिया गया है, ये इसका रेडियस दिया गया, इसका रेडियस जो दिया गया वह आर दिया गया है, और ये इसका सेंटर है, ये आर बाई टू दिया गया है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, आर बाई टू दिया गया है। कह रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है रो है, और इतना पार्ट यहाँ से काट के निकाल लिया गया है, ये वाला जो पार्ट है आर बाई टू पार्ट जो है, चित्र थोड़ा बढ़िया से नहीं बनाए, इसको बढ़िया से बना दे थोड़ा। ठीक है, आर बाई टू पार्ट काट के जो है वह निकाल लिया गया है, मतलब इस तरह से पूरा आर रेडियस का एक स्फीयर है, ध्यान दीजिएगा आर रेडियस का एक स्फीयर है, और ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर है, इसमें से आर बाई टू पार्ट काट के आपका निकाल लिया जा रहा है। ये देखिए आर बाई टू पार्ट ये काट के क्या है यहाँ पे निकाल लिया जा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, तो आर बाई टू पार्ट काट के निकाल लिया जा रहा है। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर जो है उसको ए कह रहा है, इसका सेंटर जो कह रहा है वह बी कह रहा है आपका। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका जो डेंसिटी है वह रो दिया गया है, ये देखिएगा इसका डेंसिटी जो दिया गया है वह रो दिया गया है। इफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाई टू इज क्राफ्ड आउट ऑफ इट शोन द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ठीक है, ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, मतलब बचे हुए पोर्शन के कारण, बचे हुए पोर्शन के कारण आपको ए और बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आइए बचे हुए पोर्शन के कारण। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, सॉलिड स्फीयर आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला नहीं पता होगा, ठीक है, अंदर बाहर सरफेस पे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए डियर आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उनको चलते हैं। इस पे जो दिया गया है ये रो दिया गया है, और ये जो दिया गया है ये माइनस रो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस रो दिया गया है, ये रो दिया गया है। और भाई ये अगर रो होता है तो जो कटा हुआ पार्ट होता है उस पर उतनी ही डेंसिटी आती है, लेकिन निगेटिव डेंसिटी आती है, इसको आप गॉस थ्योरम से देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये रो है तो इस पर माइनस रो होगा। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, देखिए ए पॉइंट पे जो, ए पॉइंट पे जो होगा वह सिर्फ इसके कारण होगा, कटे हुए पार्ट के कारण होगा, कटे हुए पार्ट के कारण होगा। पूरे पार्ट के कारण क्या होता है, सेंटर पे जीरो होता है। ठीक है, पूरे पार्ट के कारण सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। तो सिर्फ इसके कारण यहां पे कितना हो जाएगा, ये देखिएगा रो, ठीक है, माइनस रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो जब मैग्नीट्यूड में चाहिए तो यही क्या हो जाएगा, रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये ए पार्ट पे हो गया। और बी के कारण क्या हो जाएगा, बी के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब बड़े गोले के कारण यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई बड़े गोले के कारण सेंटर पे क्या होता है, रो आर एप्सिलॉन नॉट, तो इसका सेंटर पे रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईयर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब चलते हैं बी पॉइंट पे, जरा देखते हैं बी पॉइंट पे क्या होगा। बी पॉइंट पे भी वही काम, देखते हैं बी पॉइंट पे क्या क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कटे हुए पार्ट के कारण भी होगी और पूरे पार्ट के कारण भी होगी, दोनों के कारण होगी। तो चलो भाई पूरे पार्ट के कारण देख लेते हैं क्या है, पूरे पार्ट के कारण, पूरे पार्ट के कारण क्या हो जाएगा, पूरे पार्ट के कारण रो, ठीक है, पूरे पार्ट के कारण ध्यान देना, रो आर अपॉन, रो आर अपॉन, ध्यान दीजिएगा पूरे पार्ट के कारण रो आर अपॉन, ठीक है भाई, रो आर अपॉन क्या होता है, थ्री एप्साइलन नॉट होता है,
रो आर अपॉन कितना होता है, थ्री एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए थ्री छिपा हुआ है, थ्री यहाँ छिपा हुआ है, वैसे हम रेशियो लेंगे तो कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए रो आर अपॉन क्या हो जाएगा, थ्री एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये देखिए इसके कारण बाहर होगा, और भाई एक स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह क्या होती है उसको चलिए आइए देखते हैं क्या होती है। चलिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, माइनस, चूंकि इसका क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस में है, तो माइनस रो ये देखिए आर डैश का क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, जहां स्मॉल आर सेंटर से दूरी है, स्मॉल आर ये कटे हुए पार्ट के कारण है, इसके कारण है, जहां स्मॉल आर सेंटर से दूरी है, ध्यान दीजिएगा भाई स्मॉल आर क्या है सेंटर से दूरी है, और आर डैश इसका रेडियस है। अब इसको लिखोगे तो ई बी क्या आएगा, रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर क्यूब अपॉन एट थ्री एप्सिलॉन नॉट, आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर, आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। ये देखिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा भाई, स्मॉल आर जो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। ये देखिए चार से कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, ये क्यों भाई बातों को समझ रहे हैं, चार से कितने बार जाएगा, दो बार जाएगा, ठीक है चार से ये दो बार जाएगा इस प्रकार से। तो यहां पर आप बातों को समझ रहे होंगे क्या चीजें मेन आ रही हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए थ्री एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये आर बाई टू नहीं है, सेंटर से दूरी ली जाएगी ना, सेंटर से दूरी ली जाएगी तो बेटा थ्री आर बाई टू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी थ्री आर बाई टू, तो आर इक्वल टू थ्री आर बाई टू होगा, आर इक्वल टू थ्री आर बाई टू का मतलब हो जाएगा नाइन आर स्क्वायर अपॉन कितना, थ्री नाइन आर स्क्वायर अपॉन कितना, ठीक है टू आर का मतलब कितना हो गया, ये देखिए फोर हो गया, फोर हो गया कि नहीं थ्री आर बाई टू। अब देखिए चार से कितनी बार गया, दो गया, और ये देखो क्या गया, ये रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो वन माइनस वन अपॉन एटीन बचा, या रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए वन में से वन अपॉन एटीन जाएगा तो क्या बचेगा सेवनटीन अपॉन एटीन बचेगा, ये देखिए सेवनटीन अपॉन एटीन बचेगा, बचेगा कि नहीं सेवनटीन अपॉन एटीन, तो ये सेवनटीन अपॉन एटीन बचेगा। अब हमको ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो चाहिए, चाहिए कि नहीं बताइए भाई, ई ए और ई बी के मैग्नीट्यूड का रेशियो चाहिए, तो ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू, अब यहां से आप इसको रख दीजिए, ये कितना आया है रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, और ये कितना हो जाएगा सेवनटीन रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट एटीन, ये देखिए थ्री एप्सिलॉन नॉट रो आर और ये कितना हो गया अट्ठारह अपॉन थर्टी फोर, और ये देखो अट्ठारह अपॉन थर्टी फोर कौन सा रेशियो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, तो यानी सी वाला आपका क्या है ये सही है। ये हो गया आपका जनवरी 2020 का। देखिए फार्मूले याद होने चाहिए, अगर फार्मूले आपको नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाएंगे। किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट होती है, सेंटर पे उसके जीरो होती है, और उसके बाहर जो होती है रो आर क्यूब मतलब उसके रेडियस अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट सेंटर से दूरी का स्क्वायर होता है। ये याद होना चाहिए, जब तक ये याद नहीं रहेगा फार्मूला तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना तो बेटा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनवरी 2020 का। अब चलते हैं, ठीक है, बीसवें प्रश्न की तरफ जो जनवरी 2020 का है। आइए चलिए बीसवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी जनवरी 2020 का है। क्या कह रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, चलिए भाई 2020 का है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि थ्री चार्ज, देखिए जेई के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप पॉज करके इनके क्वेश्चनों को किया करिए, और अगर इनके क्वेश्चनों को कर जाएंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि थ्री चार्ज पार्टिकल ए बी सी विच चार्ज माइनस फोर क्यू टू क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ये डायग्राम देखा करिए, चित्र देखिए क्या है, बीसवां क्वेश्चन है ये जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, और ये देखिए इस प्रकार से ऐसे दिया है, ये यहाँ पर ऐसे है, और ये देखिए ये माइनस फोर क्यू है, क्या है ये माइनस फोर क्यू है, ये माइनस टू क्यू है, क्या है माइनस टू क्यू है, और ये बेटा क्या दिया गया है, ये 2q दिया गया है, क्या दिया गया है 2q दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये 30 डिग्री है,
और ये भी आपका 30 डिग्री है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो दी गई है डी दी गई है, डिस्टेंस डी दी गई है, दी गई है। तो कहा यह जा रहा है कि ए सी, मतलब सबके नामकरण भी हैं, नामकरण भी कर लेते हैं, इनका नाम ए है, इनका नाम सी है, इनका नाम ओ है, इनका नाम क्या दिया गया, बी दिया गया। थ्री चार्ज पार्टिकल ए बी एंड सी विथ चार्ज माइनस फोर क्यू टू क्यू एंड माइनस क्यू प्रेजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस डी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस डी, द चार्ज पार्टिकल ए सी एंड सेंटर ओ ऑफ द सर्कल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ अलोंग द यक्स डायरेक्शन, मतलब ओ पे यक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं आप वेक्टर क्वांटिटी होती है, प्लस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम फील्ड होती है, अवे फ्रॉम चार्ज होती है, और माइनस चार्ज के कारण टूवर्ड्स द चार्ज होती है। तो कृपया आप यहाँ पे एक काम करें, ठीक है, एक बात देखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, किसी एक चार्ज के कारण मान लेते हैं कि E इक्वल टू 1/4 πε0 Q अपॉन क्या है, डी स्क्वायर है, ये मान लेते हैं किसी एक चार्ज Q के कारण E है। तो ये देखो ये 2Q है, 2Q के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखना 2Q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए 2Q के कारण, इस 2Q के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये देखिए इधर की तरफ 2E होगा, 2E होगा, ठीक है। एक चार्ज के कारण E है तो दो चार्ज के कारण 2E होगा, माइनस 2Q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज की तरफ होगा, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये 2E होगा, 2E होगा कि नहीं। और ये बताइए माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इधर की ही तरफ है, और ये जो है ये 4E है, कितना है ये 4E है, यानी क्या कहने का मतलब है, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 4E है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी 4E है, और ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं, ये देखिए 60 डिग्री पे हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पे हों और आइडेंटिकल हों तो रिजल्टेंट होता है e root 3 होता है, 90 पे हों तो √2 होता है, और अगर 120 पे हों तो वही होता है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं, 30 30 60 हो गया, तो इनका जो रिजल्टेंट हो गया 4e root 3 हो गया, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वह कितनी हो गई, 4e root 3 हो गई। अब देखिए E डैश इक्वल टू 4E की वैल्यू कितनी है, देखिए E की वैल्यू है Q अपॉन 4πε0d2, ये देखिए Q अपॉन 4πε0d2, ये √3 हो गया। अब देखिए 4 से 4 कट गया, ये क्या बचा, Q √3 अपॉन πε0d का स्क्वायर। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये ऑप्शन आपका है ए वाला है, कौन सा सही है इसमें बेटा, ए वाला सही है। तो ये 20वां क्वेश्चन हो गया जनवरी 2020 का, जिसमें ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। अब चलिए 20वें क्वेश्चन के बाद शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा 20वें क्वेश्चन के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, फिर जनवरी 2020 में चलते हैं, ठीक है। जनवरी 2020 का ही क्वेश्चन 19वां भी है, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा आप देख रहे हैं। वेक्टर का ध्यान देना पड़ेगा, वेक्टर हार्ट ऑफ फिजिक्स होता है, देखिए पूरी फिजिक्स जो कंपटीशन की फिजिक्स होती है बेटा क्या है, फार्मूले के कारण क्वेश्चन बनते हैं और मैथमेटिक्स का प्रयोग होता है, और कुछ फिजिक्स में नहीं है। अब ये नहीं है कि चार्ज शीट है तो चार्ज शीट है, लाइन चार्ज है, वह सबको पता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन सीखने के लिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अब देखिए जैसे यही क्वेश्चन दिया गया है, 19वां क्वेश्चन दिया है, जनवरी 2020 का क्वेश्चन है ये, क्या कहा जा रहा है, 19 क्वेश्चन जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, ये कहा जा रहा है कि टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विथ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर केप्ट इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, मतलब ये दो शीट ऐसे इस प्रकार से हैं, ये देखिए प्लस सिग्मा है और ये देखिए ये क्या है, ये माइनस नहीं, ये भी प्लस है, सिग्मा है, और इनके बीच का एंगल बच्चों 30 डिग्री दिया है। कहा यह जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाई, ठीक है, इन सच ए वे दैट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको टू इनफाइनाइट प्लेट प्लस और सच ए वे दैट एंगल बिटवीन देम इज 30, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में एक रीजन दिया गया है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो चलिए दिमाग लगाया जाए, आप जानते हैं कि प्लस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम शीट होता है,
और माइनस के कारण जो होता है टूअर्ड्स शीट होता है, माइनस के कारण क्या होता है वह टूअर्ड्स शीट होता है, प्लस के कारण क्या होता है अवे फ्रॉम शीट होता है, और माइनस के कारण क्या होता है टूअर्ड्स द शीट होता है। तो बच्चों ये देखो प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा दिया है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वह कैसे आएंगी, ये देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ये देखिए ये ऐसे होगा, ठीक है ये देखिएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये होगा, ये अगर देखा जाए दोनों में, ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये है, और ये क्या है ये 30 डिग्री पे है, ठीक है क्वेश्चन में ये भी दिया कौन एक्स एक्सिस है कौन वाई एक्सिस है, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, वेक्टर को तो ध्यान देना ही पड़ेगा, अगर आप वेक्टर ध्यान नहीं देंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, ये देखिए 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये है, ये भी देखिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, तो वेक्टर फॉर्म में ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको ब्रेक कर लिया जाए, ब्रेक कर लिया जाए तो ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉस 30, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा साइन 30, ठीक है भाई। चलिए सब कुछ पता हो गया, कौन जे कैप में है ये बताइए, किस जे कैप में होगा ये जे कैप में होगा, ये कौन होगा माइनस जे कैप में होगा, और ये कौन होगा माइनस आई कैप में होगा। अब बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चले लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट जे कैप, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 कितना होता है रूट 3 माइनस जे कैप, और ये क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साइन 30 कितना होता है 1/2 क्या माइनस आई कैप। बच्चों वेक्टर का प्रयोग समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है जैसे देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हो गई, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, फिर अब इन्हीं का हम वेक्टर सम निकाल रहे हैं, क्या निकालना है इसको वेक्टर सम निकाल रहे हैं। अब देखो ईच इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ईच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख लिया जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लिया जाए, सारे ऑप्शन में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया है, बहुत अच्छा किया है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया है, ये क्या हो गया 1-√3/2 हो गया, ठीक है और कौन कैप हो गया जे कैप हो गया, बताइए जे कैप हो गया, और यहाँ क्या हो गया यहाँ माइनस क्या हो गया यहाँ माइनस आई कैप अपॉन कितना हो गया आई कैप अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, और ये कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है ये आपका डी वाला ऑप्शन सेट हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा सही हो गया डी वाला सही हो गया। तो ये जनवरी 2020 के मतलब जनवरी में कुल 6 परीक्षाएँ हुई थी, जनवरी में बेटा 6 परीक्षाएँ हुई थी, मतलब 3 दिन जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है 7, 8, 9 ठीक है ये जनवरी हुआ था, जिसमें 3 दिन में 6 पेपर आपके हुए थे, सुबह और शाम के इसके पेपर होते हैं, जो भी नए बच्चे हों इस बात को ध्यान रखें, ठीक है सुबह और शाम 25 क्वेश्चन अब आते हैं, पहले 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आते थे, ठीक है अब 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका क्या रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है, और 5 क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप का रहता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अप्रैल 2019 का 18वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2019 का 18 क्वेश्चन, चलो भाई अप्रैल 2019 का 18वां क्वेश्चन, ये जेई का क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है सिंपल पेंडुलम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर, ठीक है इस बॉब हैज यम एंड चार्ज क्यू द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय, मतलब इस प्रकार से दिया है ऐसे, ये देखिए प्लस 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 ऐसे चार्ज दिए गए हैं, और ये आपका क्या दिया गया माइनस 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 इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है और ये देखो इस प्रकार से एक चार्ज इसमें लटक रहा है, ये देखिए ये चार्ज इसमें क्या है एक लटक रहा है, ये चार्ज इसमें लटक रहा है, कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, इधर वाले प्लेट की अर्थिंग कर दी गई है, ठीक है तो सबसे पहले चीज ये बेटा ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखते हैं, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पॉजिटिव से लेकर निगेटिव तक होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है, इसका वेट जो होगा वह एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये देखिए एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका वेट एमजी नीचे की तरफ होता है, ये देखिए और प्लस से ये माइनस की तरफ गया तो इस पर एक फोर्स होता है क्यूवी, देखिए प्लस से माइनस की तरफ होता है तो इस पर एक फोर्स होता है जिसको हम लोग क्यूवी कहते हैं, ये देखिए क्यूवी हो गया, क्यों भाई
इस पे जो फोर्स लगने लगा प्लस से माइनस तक, वो क्यू ई हो गया, और जो इफेक्टिव हो गया वह आपका एम जी डैश हो जाएगा। क्यों? नेट फोर्स इस पे लगेगा कि नहीं? तो नेट एम जी डैश लगेगा, यानी एम जी डैश इज इक्वल टू रूट में एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर हो गया। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। बताइए, जी डैश इज इक्वल टू रूट में जी का स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का होल स्क्वायर हो गया। या टी डैश इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट यल अपॉन रूट में जी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एम का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, इस ऑप्शन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? इसको ए वाला ऑप्शन क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है भाई, बातों को समझ रहे हैं? थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़े रहेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, तो हो सकता है ना समझ में आए, तो हो सकता है आप कहें कि पता नहीं क्या बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी जानकारी है तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप खुद जानते होंगे, कई बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लिए होंगे इसमें का। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको देख लें, सोल्यूशन देख लें उनका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अप्रैल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं सिंपल सिंपल। चलिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अप्रैल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ये ध्यान रहे। चलो भाई, 17 क्वेश्चन अप्रैल 2019 का। ये कह रहा है 4 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लेस्ड एट एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई इक्वल टू माइनस डी। देखिए इस तरह से ये चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। क्वेश्चन जैसे बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। क्या कहने का मतलब है कि माइनस क्यू जो रखा गया है, ये देखिए माइनस क्यू, ये माइनस क्यू रखा गया, ये प्लस क्यू रखा गया है, और ये प्लस क्यू रखा गया, ये माइनस क्यू रखा गया है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह d है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 2d है। ये जो डिस्टेंस है बेटा वह d है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? ये 2d है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू डी। मतलब ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल डी है, ध्यान दीजिएगा। इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे बताना है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बताना, और बताना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हाँ, एक शर्त और है, डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी भी है। डी इज ग्रेटर देन स्मॉल डी भी है। तो ये आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कैपिटल डी। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पे क्यूब होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पे फोर होगा। मतलब क्या होगा इसमें, किस प्रकार से चीजें होंगी, इसको आपको बताना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कुछ बातें करनी है। चलिए कुछ बातें कर ली जाए, कैसे क्या है उन, तब जाके इन पे चला जाए। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्वेश्चनों में कोई दम नहीं होता है, लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चनों में होगा। तो हमको इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो याद रखिएगा, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होगा, अवे फ्रॉम। ये देखिए प्लस के कारण हम बनाते हैं, ये देखिए ये यहां से अवे होगा, ये आपका इवन हो गया। क्यों इवन हो गया कि नहीं? और ये देखिए ये भी प्लस के कारण यहां पर क्या होगा, ये अवे होगा, ये भी आपका इवन हो गया। क्यों? ये भी तो इवन हो जाएगा आपका, ये आपका इवन हो गया। मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है वह कितना एंगल बन रहा है? थीटा वन बन रहा है। ठीक है, एंगल तो समान बनेगा क्योंकि डिस्टेंस भी समान है। और ये जो हो गया, ये रूट में डी स्क्वायर प्लस डी हो गया, और ये जो हो गया रूट में डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। तो ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इवन होगी बेटा, वह क्या हो जाएगी? के रखते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। अरे भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। ये हो गया इसके कारण। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस क्यू के कारण, ध्यान देना, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये देखिए, ये माइनस क्यू है, ये ऐसे माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ है। मतलब क्या कहने का मतलब? E2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d2। ठीक है, अब ये देखिए इसके कारण ये ऐसे इधर की तरफ, ये हो गया इधर की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका E2,
ये जो डिस्टेंस हो गया वो डी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, 4D स्क्वायर। मैथ ये IIT में पुराना क्वेश्चन आ चुका है। देखिए JEE में अगर आप IIT के मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लेते हैं तो 25 में करीब 20, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, मिलेगा। अगर NCERT लगा लेते हैं तो 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अगर IIT के ही पुराने क्वेश्चन लगा ले तो बेटा, ठीक है, इसको गलत मत मानिएगा, ये नथा नहीं, नहीं ये मेरा चैलेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ और मैक्सिमम जो अनुभवी टीचर होंगे इस बात को बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका IIT में भी पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को ये इसमें देखिए रिपीट किया है, बताया है, तो और मैथमेटिक्स है, केवल देखिए केवल एक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस के कारण K³/R² होता है, माइनस के कारण अपनी तरफ होता है, माइनस के कारण अपनी तरफ होता है, बस एक तरह का इसमें कॉन्सेप्ट है, कोई अलग भी नहीं है इसमें। तो अब ये देखिए इस प्रकार से ये माइनस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया ये आपका हो गया, ये प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये देखिए माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण यहाँ पर क्या हो गया ये। अब देखिए E2 क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू जो हो जाएगा K³/ ये क्या हो गया D² + 4D² हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये मान लीजिए ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से θ² एंगल बना रहा है, और ये भी एंगल कितना बना रहा है, ये देखिए यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला θ² बना रहा है। अब देखो जरा यहाँ पर वैक्टर का काम करते हैं, वैक्टर का काम करने का मतलब क्या है, E1 और E2 को रिजॉल्व करते हैं। तो बेटा E1 और E2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये वाले जो कंपोनेंट होंगे, मतलब ये तो आपका θ1 θ2 होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये देखिए E1 और ये E1, मतलब ये आपका θ1 है, ये आपका θ1 है, तो ये क्या होगा E1 sin θ1 और ये आपका क्या होगा θ1 ये भी है E1 cos θ1 + E1 cos θ1, क्यों भाई हो गया कि नहीं, E1 cos θ1 + E1 cos θ1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। उसी तरह से E2 को भी रिजॉल्व करो, तो E2 को रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलो ये वाला E2 cos θ2, ठीक है सही भाई, और ये वाला क्या हो जाएगा E2 sin θ2 हो जाएगा। उसी तरह इस E2 को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये बोलो E2 cos θ2 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा E2 sin θ2 हो जाएगा। बताओ क्या ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कि नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, बोलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये माइनस ये हो गई, देखिए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में है और ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया (2E1 cos θ1 - 2E2 cos θ2)। बोलो बच्चों सही है, इक्वल टू, अब 2E1 cos θ1, ये देखिए 2 सब में से कॉमन हो गया, K भी सब में से कॉमन हो गया, Q भी सब में से कॉमन हो गया, बचा क्या, बचा क्या, ये क्या हो गया, ये देखिए 1/D² + D² cos θ1 क्या हो गया, बताइए cos θ1 / ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यानी D / क्या हो जाएगा D² + D² पे हाफ हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया 1/D² + कितना 4D का स्क्वायर है ना, और ये क्या हो जाएगा ये D / D² + 4D² पे हाफ, क्यों ट्रायंगल की तो यही तो वैल्यू होगी ना, एंगल की यही वैल्यू होगी ना, तो D / अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसमें से D भी कॉमन लेंगे तो E = 2KQD कॉमन ले लेंगे, तो बताइए क्या आ गया D² + D² पे हाफ, यानी 3/2 आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं D² + या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/D² + D² पे कितना, ये देखिए 3/2 हो गया, ठीक 3/2 हो गया, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ये D बाहर हो गया 1/D² + 4D² पे, ये देखिए 3/2 हो गया। कृपया आप लोग D² को बाहर कर लीजिए, D² को बाहर कर लेंगे तो ये देखिए क्या आएगा 2QD / ये देखिए D² बाहर आएगा तो 2 कट जाएगा, ये देखिए D पे Q बाहर आ गया, समझ रहे हो ना मैथमेटिक्स, और ये क्या आ जाएगा 1/1 + D² / थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है मैथ्स वाले स्टूडेंट, ठीक है इसको ध्यान देंगे, और 1/ ये कितना हो जाएगा 1 + 4D² / क्या 4D² / D² पे 3/2 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको जरा ऊपर करके बाइनोमियल लगा दीजिए, क्योंकि ये D D से काफ़ी छोटा है,
डी कैपिटल डी से काफी छोटा है, तो इसका मतलब डी बाई डी की वैल्यू एक से कम होगी, तो आप बाइनोमियल यहां लगा सकते हैं। तो ये देखिए ईच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2KQ, ये डी से डी कट गया अपॉन डी स्क्वायर आ गया। यहां चलते हैं बाइनोमियल लगाते हैं, 1 - 3/2 d² / D² माइनस 1 और ये माइनस आएगा तो प्लस 3/2 4d² कितना हो गया कैपिटल डी स्क्वायर। ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये देखो 3/2 ये भी है, 3/2 ये भी है, तो 4 में से ठीक है एक जाए तो कितना बचेगा 3, यानी क्या हो जाएगा ईच इक्वल टू 2KQ। ध्यान दीजिएगा 2KQ डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 कितना हो गया 9d² अपॉन, ये देखिएगा 9d² अपॉन कितना हो गया 9d² अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9d² अपॉन क्या हो गया, ये डी स्क्वायर है ही, 9d² अपॉन क्या 2d². अब देखिए 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, 9 भी कांस्टेंट, d भी कांस्टेंट, तो d² मिलके क्या हो गया d पे 4, यानी e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d पे क्या रहा है 4 आ रहा है, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d पे 4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है, हाँ दिया गया है, d वाला ऑप्शन दिया गया है, कौन सा दिया गया है d वाला ऑप्शन दिया गया है, यानी 17 का कौन सा हो गया d वाला हो गया, 17 का कौन सा हो गया d वाला। देख रहे हैं लंबे क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेशन के नहीं काम चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए अपनी मैथ्स को स्ट्रांग करिए, खास करके कौन सी मैथ्स, ये जो कैलकुलेशन है उसको स्ट्रांग करिए। बाकी फिजिक्स कहाँ है, कहाँ फिजिक्स का यूज हो रहा, फिजिक्स तो एक फार्मूला है, प्लस चार्ज के कारण अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज के कारण टुवर्ड्स द, और पूरे बच्चे फिजिक्स को लेकर परेशान रहते हैं कि अरे फिजिक्स नहीं आ रहे, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ साथ वेक्टर, बेसिक कैलकुलेशन अगर सब आएगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि सर ये आप क्या किए हैं, उसके बाद लगेंगे गाली देने कि ये क्या हो रहा है, सारे टीचरों को लगेंगे बदनाम करने आप लोग, ठीक है, लेकिन अगर सब समझे हैं तो सारे टीचरों की वाह वाह होगी, ठीक है। तो इसलिए बेटा क्या है, सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, प्लीज़ बेटा इन चीज़ों को ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ, क्यों फिजिक्स गड़बड़ होती है उनको ध्यान दीजिए, फिजिक्स आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। देखिए अब यहाँ बाइनोमियल आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तब जाके अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अप्रैल 2019 का ही और क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन अप्रैल 2019 का है, उसको करते हैं। चलिए भाई चैप्टर वाइज हैं सारे क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं बेटा, उनको चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्केट में जो सॉल्व पेपर अवेलेबल है वह चैप्टर वाइज है, मैं आपको टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो 16वां क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर चल रहा होगा, स्क्रीन पर चल रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रिलीज्ड From rest at a distance r not from a positive line charge with a uniform density. The speed v of the point charge as a function of instantaneous distance r from line charge is proportional to instantaneous distance r from line charge is proportional to. ये देखिए इस प्रकार से दिया है, ऐसे दे रहा है, यहां से ये r not distance पे एक charge को, ये line charge है ठीक है, लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है, एक चार्ज रिलीज किया जा रहा है और कैपिटल आर तक, मतलब आर नॉट से कहां तक, आर तक रिलीज किया जा रहा है, यहां तक आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहली चीज अगर हमको क्या पता चल जाए, पोटेंशियल पता चल जाए, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमको यहां पर पोटेंशियल पता चल जाए। तो ये बताओ लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताते हैं, क्या बताते हैं लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो जाएगी, ईच इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0r, क्यों यही तो होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू माइनस आर नॉट से आर तक ई डी आर हो जाएगा, या पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट से आर तक लेमडा अपॉन 2πε0r डी आर हो जाएगा। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वी इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 2πε0r log r, और ये क्या होगा, आर नॉट से आर जाएगा, आर नॉट से आर जाएगा। देखिए
एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो वी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लॉग आर बाई कितना आएगा, नेचुरल लॉग आएगा, लॉग आर बाई आर नॉट आएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना, क्या पोटेंशियल आपने निकाल लिया, इस पॉइंट तक आपने पोटेंशियल आपने फाइंड कर लिया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्यू बी के बराबर होती है, या ये हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बी के हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर क्यू लेमडा अपॉन टू पाई एप्साइलन लॉग बेस ई आर बाई आर नॉट हो गया, लॉग बेस ई आर बाई क्या हो गया, आर नॉट हो गया। देखिए लॉग बेस ई आर बाई कितना हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, लॉग बेस ई आर बाई क्या हो गया, आर नॉट हो गया। तो बच्चों अब देख लो यहां पे क्या है, यहां देख लो वी और हमको इसमें अब देख लो ऑप्शन में किसमें किसमें रिलेशन निकालना है, केवल लॉग में निकालना है, केवल लॉग में निकालना है, नेचुरल लॉग में। तो ये तो लैम्डा ये सब कांस्टेंट हो गया, तो वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग बेस ई आर बाई आर नॉट हो गया, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में एलन आर बाई आर नॉट हो गया। बताइए क्या वेलोसिटी आ गया कि नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलन आर बाई कितना हो गया, आर नॉट हो गया। इस तरह से हमने ये रिलेशन निकाल दिया, आया कि नहीं, तो बात समझ में आया भाई। तो ये 16 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए। चलो भाई 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस आर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर, द वैल्यू ऑफ h इज, द वैल्यू ऑफ h इज, मतलब क्या कहने का मतलब है, ये देखिए ये कहा जा रहा है, ये आपका रिंग है जिसका रेडियस r दिया है, इसके एक्सिस पे h डिस्टेंस तक करा, किस पॉइंट पे मतलब h की क्या वैल्यू होगी कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे 3/2, के क्यू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे 3/2। ये देखिएगा E एक्सिस यानी क्या हो जाएगा, के क्यू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे 3/2 हो जाएगा। अब ये देखिए यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, DE अपॉन DH इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, और D अपॉन DH ध्यान दीजिएगा, D अपॉन DH के क्यू एच अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे 3/2 इक्वल टू जीरो। भाई मैक्सिमम मिनिमा का ही तो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का मतलब कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, यानी DE बाई DH इक्वल टू उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। भाई ये तो मतलब हो गया डी बाई डी एच उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर उस बिंदु पर क्या होगा, डी बाई डी एच इक्वल टू जीरो होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में के क्यू तो कॉमन होकर चला गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर 3/2 डी अपॉन डी एच एच माइनस डिवीजन मेथड से डी अपॉन डी एच क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे 3/2 इक्वल टू जीरो, नीचे जो आया इधर जाके जीरो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई क्या आएगा, रूट टू आएगा, यानी सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे आर बाई रूट टू डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह मैक्सिमम होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सी वाला ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, ये देखिए सी वाला। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, किधर चलते हैं, 14 क्वेश्चन की तरफ। तो चलो भाई 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन जनवरी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 क्या कर रहा है, टू पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू रूट 10 माइक्रोकुलम
एंड Q2 इज इक्वल टू -25 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वोल्ट पर मीटर एट ए पॉइंट y इज इक्वल टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस इज. ठीक है, ये कहा जा रहा है. तो चलिए बनाते हैं डायग्राम. पहले बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के क्या होगा, नहीं हो पाएगा. तो 14 क्वेश्चन, और वेक्टर को खास करके ध्यान देना पड़ेगा. जो भी बातें बताया जाए वेक्टर को खास करके ध्यान देना पड़ेगा. ये देखिए, ये ऐसे दिया है, ठीक है, इस प्रकार से है. यानी ये क्या दिया गया है, ये देखिए, ये क्या दिया गया है, कह रहा है Q1 इज इक्वल टू, ये Q1 इज इक्वल टू √10 माइक्रोकूलम है. और ये देखिए, ये Q2 इज इक्वल टू क्या है, -25 माइक्रोकूलम है. क्यों भाई, ठीक ठाक है कि नहीं. और ये जो दिया गया है, ये x इज इक्वल टू 1 मीटर पे दिया है. और ये जो दिया है, x इज इक्वल टू कितना, 4 मीटर पे दिया है, x इज इक्वल टू 4 मीटर पे. फिर करा y इज इक्वल टू 3 मीटर. ये देखिए, y इज इक्वल टू ये डिस्टेंस जो है वह 3 मीटर है. आपको y इज इक्वल टू 3 मीटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. सबसे पहले ये देखिए, ये 1 है, ये 3 है. तो ये देखिए, ये कितना होगा, √10 होगा पाइथागोरस थ्योरम से. ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है. क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है और ये 4 है. ये देखिएगा, ये 3 है, ये 4 है. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16, यानी √25 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 9, और ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं. तो ये बताइए जरा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई वन क्या हो जाएगा भैया, ई1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 πε0 ऑप्शन में है, हाँ, उसको 9 × 10⁹ लिखा है. तो इसको लिख लेते हैं के √10, अभी Q1 लिखने दीजिए, के Q1 अपॉन कितना हो गया, √10 का स्क्वायर का मतलब 10 हो गया 10. और ये देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर होगा, इधर ये E2 कितना हो जाएगा भाई, E2 इज इक्वल टू के, ठीक है, के 25 माइक्रोकूलम अपॉन ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया कि नहीं. ठीक है, ये देखिए, 25 से 25 कट गया. ये रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये √10 है भाई, ये 25 है, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना. अब ये देखिए, ये के माइक्रोकूलम आ गया, कितना आ गया, के माइक्रोकूलम आ गया. और ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो √10/10, यानी के √10 माइक्रोकूलम हो गया. क्यों, सही है ना, कहीं दिक्कत, अरे भाई ये √10 है, सॉरी √10 है. तो √10 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये 10n आएगा, तो इससे कट जाएगा, के बाई √10 माइक्रो कूलम आएगा, के बाई ये √10 माइक्रो कूलम आएगा. अब चलिए इसमें जरा चलते हैं वेक्टर सम पे. अब देखिए, थोड़ा वेक्टर सम वही चीज़ें हैं, छोटी मोटी, वेक्टर को ध्यान देना पड़ेगा, यही सब आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें क्वेश्चनों में, इसीलिए टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं. तो क्या किया जाए, इसको हम लोग θ1 मान लें. ये θ1 होगा तो ये बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये देखिए E1 cos θ1, और ये देखिए ये E1 sin θ1. E2 को जरा मान लें, E2 को भी रिजॉल्व करें. E2 को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं. ये देखिए ये θ2, तो जब ये θ2 हो जाएगा तो अल्टरनेट एंगल, क्यों, ये θ2 है तो ये भी अल्टरनेट एंगल होगा. बोलो, अगर ये θ2 है तो ये भी अल्टरनेट एंगल होगा. और V2 को दो कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो ये देखिए E2 cos θ2, और ये देखिए ये क्या हो गया, E2 sin θ2. बोले भाई E2 cos θ2 हो गया और E2 ये sin θ2 हो गया. तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E2 cos θ2 और ये E1 sin θ1, मतलब ये आई कैप हो गया. ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, E2 cos θ2 माइनस E1 sin θ1 क्या हो गया, ये आई कैप हो गया. और ये देखो प्लस E1 cos θ1 माइनस E2 sin θ2 क्या हो गया, जे कैप हो गया. अब जो इसको सॉल्व कर लिया उसी का
आंसर आ गया। तो सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, अब देखिए सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, चलिए आइए इज इक्वल टू, पहले ई टू कितना है, ई टू कितना है, ई टू, ई टू है, ई टू अभी रखिएगा बाद में, ई टू, ई टू कॉस थीटा टू कितना है, कॉस थीटा टू, आइए इस ट्रायंगल से कॉस थीटा टू निकाला जाए, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा टू, कॉस थीटा टू कितना हो जाएगा, बेस, बेस कितना है फोर, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया फोर बाई फाइव हो गया, माइनस ई वन, साइन थीटा वन निकाला जाए, आइए इस ट्रायंगल से साइन थीटा वन निकाला जाए, इस ट्रायंगल से साइन थीटा वन निकालिए, चलिए भाई साइन थीटा वन इस ट्रायंगल से निकालिए, साइन थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर वन बाई रूट टेन हो गया, ये देखिए वन बाई रूट टेन हो गया, आई कैप में आ गया, प्लस ई वन कॉस थीटा वन क्या हो गया, कॉस थीटा वन, चलिए भाई इस ट्रायंगल से कॉस थीटा वन निकालते हैं, थ्री बाई रूट टी वन हो गया, यानी ई वन थ्री बाई कितना हो गया, रूट टेन हो गया, माइनस ई टू, ई टू साइन थीटा टू निकालते हैं, ये इस ट्रायंगल से, देखिए भाई साइन थीटा टू, इस ट्रायंगल से साइन थीटा टू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा टू जो हो जाएगा थीटा से पास वाला बेस होता है, थीटा से दूर वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, नहीं नहीं कहीं गड़बड़ नहीं है, सब सही है, ठीक है, साइन थीटा वन वन बाई, हाँ ठीक है, थीटा टू इसके पास वाला बेस हो गया, साइन थीटा टू क्या हो जाएगा, ये देखिए थ्री बाई फाइव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री बाई फाइव हो जाएगा, ये देखिए थ्री बाई फाइव जे कैप हो गया, हो गया कि नहीं, अब सारी वैल्यू रख दीजिए, ई इक्वल टू रखेंगे, ई टू रखेंगे, ई टू कितना है जरा बताइए, तो ई टू है, ई टू है आपका कितना, के फोर बाई फाइव, माइनस ई वन कितना है जरा बताइएगा, ई वन के बाई रूट टेन, वन बाई रूट टेन, ये देखिए आई कैप हो गया, प्लस ई वन कितना है, ई वन, ई वन के बाई रूट टेन, के बाई रूट टेन, थ्री बाई रूट टेन, माइनस ई टू, ई टू, ई टू, ई टू कितनी है, ई टू के इंटू थ्री बाई फाइव, ये देखिए k इंटू थ्री बाई फाइव है, ये j कैप हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा सारा माइक्रो कूलम में है, किसमें है, ये सब माइक्रो में है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए k बाई टेन आएगा, ये देखिए फोर के बाई टेन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व करने पे अब डायरेक्ट अपना सॉल्व करिएगा, आपका ये कौन सा आएगा, c वाला ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, c वाला, इसको सॉल्व करते रहिएगा भाई, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन तरीका आप समझ गए होंगे कि इसमें किसका वेक्टर का यूज रह रहा है, और देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको वेक्टर नहीं तैयार होगा तो नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, जनवरी 2019 का आया हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, चलिए भाई 13 पे चलते हैं, 13 आपका देखिए कैसे क्या चीजें कहा जा रहा है, हर चीजें चैप्टर वाइज हैं, इनको ध्यान दें जितना भी हो सके, चलिए 13 ध्यान दीजिए, 13 क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कहा जा रहा है, ए सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस आर हैज ए चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी रो गिवन बाय रो इज इक्वल टू रो नॉट वन माइनस आर बाय आर, ठीक है, यानी रो इज इक्वल टू रो नॉट वन माइनस छोटा आर बाई कैपिटल आर, ये देखिए ये कोई भी सॉलिड स्फीयर दिया है उसके अंदर डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट वन माइनस छोटा आर अपॉन आर है, जहां आर कैपिटल आर से छोटा और जी बड़ा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल इज, अब देखिए आउटसाइड द बॉल इज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आप देख रहे हैं कि उस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वह आपका स्मॉल आर के अनुसार वेरिएबल है, तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्मॉल आर के अनुसार वेरिएबल है तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसके अंदर चार्ज क्या होगा, ये तो निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वह क्या है, आर है, कहीं भी आप मान लेते हैं, यहां तक इसके लिए एक स्मॉल आर रेडियस में इस तरह से देखिए एक छोटा सा डी आर एलिमेंट है, ये देखिए छोटा सा डी आर एलिमेंट है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जरा चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज कैसे निकलेगा, चार्ज क्यू इक्वल टू जीरो से लेके आर तक रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, क्यों भाई यही तो होगा, रो स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आर में वेरिएशन है ना, तो यहां पे स्मॉल आर हमने दिया है, तो ये देखिए कि इसमें जो चार्ज निकलेगा मतलब इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, और बच्चों जो इसके अंदर का चार्ज क्यू आएगा वह जीरो से आर तक रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर आएगा,
रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर आएगा। अब ये देखिए क्यू इक्वल टू फोर पाई रो नॉट कॉमन हो गया, जीरो से कैपिटल आर आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर और डी आर। ये देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए तैयार, क्यू इक्वल टू फोर पाई रो नॉट और ये देखिए क्या होगा आर क्यूब बाई थ्री और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई थ्री, जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा आर तक और ये क्या हो जाएगा माइनस आर पे फोर बाई फोर और ये कहाँ से हो जाएगा जीरो से लेके कैपिटल आर तक। इसको सॉल्व कर लिया तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर पाई रो नॉट देखिएगा आर क्यूब बाई थ्री माइनस ये देखिए आर पे फोर बाई आर होगा, ये देखिए आर क्यूब बाई कितना हो जाएगा ये फोर हो जाएगा। बारह एलसीएम आया, बारह एलसीएम आया, चार में से एक गया कितना बचा, चार में से तीन गया कितना बचा एक और फिर तीन कट गया यानी क्यू इक्वल टू कितना आ गया बताइए, क्यू इक्वल टू कितना आ गया पाई रो नॉट आर क्यूब अपॉन थ्री आ गया, ये आपका चार्ज आ गया ना। तो इसका मतलब ये पता चल गया क्या इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्यों बच्चों ये पता चल गया कि इस स्फीयर के अंदर आखिरकार कितना चार्ज है और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर ही वेरिएशन है यहां पे। अब क्यू की वैल्यू रख दीजिए पाई रो आर क्यूब अपॉन ट्वेल्व पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये बताइए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया रो आर क्यूब अपॉन बारह एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला हो गया, ये हो गया थर्टीन क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हो गया थर्टीन क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको ध्यान दीजिए क्या है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन को। और इस पैटर्न पे देखिए जेई में बहुत क्वेश्चन आते हैं, अभी देखिएगा पीछे भी हम चलेंगे, अभी क्वेश्चन जो पीछे चलेंगे एकदम इसी पैटर्न पे होगा, आपको चार्ज फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अंदर फाइंड करना होगा या तो बाहर फाइंड करना होगा किसी डिस्टेंस पे, एकदम सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए बारहवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, बारहवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ट्वेल्व क्वेश्चन, चलो भाई ट्वेल्व क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, क्या है कैसे है देखते हैं। चलिए भाई ट्वेल्व क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, बारहवां क्वेश्चन जो है ये 2015 ठीक है जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि बेटा लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज ए पॉजिटिवली सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड द निगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सिलेंड्रिकल विल लुक लाइक फिगर गिवेन, फिगर एट द सिस्टमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो मतलब कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे क्या है ऊपर वाले पोर्शन पे प्लस प्लस चार्ज इस प्रकार से है ये देखिए और नीचे वाले पोर्शन पे माइनस माइनस के चार्ज है। कहा जा रहा है किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, बच्चा आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलते हैं नेगेटिव पे एंटर करते हैं, ये देखिए ये पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव पे एंटर कर रहा है, ये देखिए ऐसे है भाई पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे क्या करेगा एंटर करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे एंटर करेगा, पॉजिटिव से निकलता है परपेंडिकुलर निकलता है और नेगेटिव पे एंटर करता है। अब बताइए इस तरह का डायग्राम कौन ड्रॉ कर रहा है, सी वाला ड्रॉ कर रहा है, कौन सा सी वाला, डी वाला नहीं, डी वाला तो निकलता ही जा रहा है कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर पास रहेंगे तो क्या होंगे कर्व शेप बनाएंगे कि नहीं, ठीक है तो इसीलिए सी वाला इसमें सही होगा, कौन सा सही होगा सी वाला। तो 12 का ये हो गया, अब चलते हैं 11 क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑनलाइन 2015 का क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन ऑनलाइन 2015 का, चलिए भाई ऑनलाइन 2015 का किस प्रकार से क्वेश्चन है ये देखिए 11। आपको मालूम होगा किसी भी डिस्क है, अगर कोई डिस्क है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चलिए भाई कोई भी डिस्क है तो उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं,
डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू जो होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। क्यों भाई, यही तो होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस बी इक्वल टू टू ए, मतलब एक डिस्क है वह इस प्रकार से दिया है। देखना, एक डिस्क है इस प्रकार से दिया है, ये ऐसे है, इसका इनर रेडियस ए है और ये देखो ये क्या है, ये टू ए है, टू ए है, ये देखो ये टू ए है, टू ए है, ये देखो इस प्रकार से दिया है, ये जो रेडियस दिया है वह टू ए दिया है और इनर वाला रेडियस उसका क्या दिया है ए। इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे चित्र के अनुसार बना है उसको मत ध्यान दीजिएगा, ऐसे ध्यान दीजिए, ये वाला डायग्राम ये ऐसे दे रहा है और ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस टू ए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और ये एक्सिस पे पॉइंट है एच, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो पहले पूरे पार्ट के कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं। और एक बात यह भी याद रखिएगा, ये जो एच है ए से काफी छोटा है, बहुत है छोटा है, ए से काफी छोटा है। तो अब इस पार्ट के कारण चलिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं, पहले पूरे पार्ट के कारण, इसके कारण पहले बता देते हैं, पूरे पार्ट के कारण, जो पूरा पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बता देते हैं क्या होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। तो चलिए पहले बताते हैं, तो बता देंगे। तो अब बताइए इस पार्ट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल टू रेडियस इसका कितना दिया गया है, एक मिनट, B इक्वल टू टू ए दिया है ना, B इक्वल टू क्या दिया है, टू ए दिया है, और ये कितना दिया है, H का स्क्वायर दिया है। तो चलो भाई चलते हैं, ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पूरे पार्ट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसी फार्मूले को अप्लाई करो, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स, एक्स कितना हो जाएगा, एच अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, टू ए, टू ए का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। बच्चों देखिए यहां क्या है, एच लेस देन क्या है, ए है, तो एच स्क्वायर टेंस टू क्या होगा, जीरो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगी कि नहीं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ई वन हो गई, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी। चलो इस पार्ट के कारण ये वाला जो पार्ट है, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस, देखिएगा इस पार्ट के कारण, वन माइनस एच अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोले भाई 1 माइनस एच अपॉन रूट में कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताइए एच स्क्वायर टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाई क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ये आपका इस पार्ट के कारण हो गया। अब ये बताइए इतना ही पार्ट है ना भाई, इतना ही तो पार्ट है, ये तो खाली पार्ट है। तो आखिरकार पूरे में से अगर इस पार्ट को निकालेंगे तभी तो ये जो पार्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पूरे में से अगर इस पार्ट को अगर निकालेंगे तो तभी तो इस पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे। और इस पार्ट के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। चलिए E इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, वन माइनस एच अपॉन टू ए और माइनस वन प्लस एच बाई कितना हो गया, ए, ये देखिए कट गया, E इक्वल टू कितना हो गया, एच बाई ए में से एच बाई टू ए जाए, ठीक है, तो कितना बचेगा, एच बाई टू ए सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट एच बाई, ये देखिए बचेगा। और ये देखिए इसको कह रहा है किससे कंपेयर करने के लिए, क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि इसको कंपेयर हम किससे करेंगे, सी एच से करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, सी एच से। तो कह रहा सी की वैल्यू बताइए, मतलब ई इक्वल टू सी एच, तो ये देखो ये बताओ C की वैल्यू कितनी हो गई, C की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट ए, C की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा ए अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, C आ गया, C की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब बेटा क्या है, ये मैंने आपको
2015 तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया 2015 तक। अब 11 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, देखने के लिए दूसरे वीडियो में आप लोग देखिएगा जो जस्ट इसके बाद पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, देख रहे हैं 10 ही क्वेश्चन में आपका क्या लग गया, एक घंटा लग गया, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट आप लोग देखिएगा, ठीक, तो दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं अब।